कभी नीतीश कुमार सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से बयान देते थे उस पर उनकी खिंचाई भी होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का नीतीश सरकार के तरफ से बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। विभागों को इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों को जो योजनाएं हैं उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए लगाया गया है और कई विभाग इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विभागों के बीच होड़ भी लगी है और जो जनसंपर्क विभाग है इस मामले में सबसे आगे है। स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग सहित कई विभाग हैं जिन्होंने लोगों से जोड़ने में सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया है। मंत्री भी कह रहे हैं कि इसका लाभ मिल रहा है। देखिए, सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी सूचना को आप जल्द से जल्द हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक सेकंड में आप कोई भी योजना को अगर पहुंचाना चाहते हैं तो गांव के लोगों तक पहुंच जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसका पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो बड़ा अच्छा है और हर एक विभाग इसका इस्तेमाल कर रहा है, हमारा भी विभाग कर रहा है इसका। देखिए, आजकल आप जान रहे हैं कि आजकल जो पूरे दुनिया में एक ग्लोबल आया जो सब लोग को एक दूसरे से जोड़ दिया, इंटरनेट ये सब, आजकल तो सोशल मीडिया का ही युग है। तो लोग इससे के माध्यम से, आजकल सभी लोग के हाथ में मोबाइल है, तो इसके माध्यम से बहुत कम समय में आदमी एक जगह से दूसरे जगह बात पहुंच जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, विभाग के द्वारा भी हम लोग का, जैसे कि देखिए अब इसमें जो विभाग का हम लोग कमांड एंड कंट्रोल खोले थे उसका भी हम लोग सोशल मीडिया में डाल दिए थे ताकि लोग जाने। आप जानेगा नहीं तो कैसे समझेगा कि आप क्या कर रहे हैं। बिहार सरकार का जनसंपर्क विभाग सोशल मीडिया का प्रयोग करने में सबसे आगे है। ऐसे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है और कई विभागों में इसको लेकर होड़ लगी हुई है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से नीतीश कुमार की यह रणनीति है कि अपनी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और उसमें विभागों को इससे विशेष रूप से सोशल मीडिया से जोड़ा जा रहा है। कई विभागों ने विशेष तरह के कार्यक्रम भी इसके लिए शुरू किए हैं। बड़ी संख्या में इसमें लोगों को रखा है। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय और जनसंपर्क विभाग में भी कई टीम लगाई गई है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।